पाठ का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू-शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वो खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता-पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वो यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं, बल्कि असली थे, असली। कभी वो प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वो कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया, ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। वो तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। हाँ। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा,
कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वो चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वो असल में जो बनना चाहते हैं वो है कुत्ता। भौं 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 भौं। उस दिन वो दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। भौं 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 भौं। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वो अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वो बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वो कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। भाँ, 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 भाँ। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो उन्हें कुछ देर तक तो देखता रहा और फिर उसने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वो ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वो रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ।
पर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वो यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। पापा जब बच्चे थे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन डॉक्टर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय डॉक्टर लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख अलेक्सांद्र रस्किन, कलाकार राजेश आहूजा, एसपी अलावादी, आशीष और आकाश, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।